टू माई चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारे विंटर के प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और आप देख सकते हैं इनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी चल रही है। ये देखिए ये हॉली हॉक के, ये पिटूनिया, इस तरह से ये सारे प्लांट हमारे लगे हुए हैं। तो आज हम आपके साथ अपनी नई शॉपिंग शेयर करने वाले हैं फ्रेंड। तो अगर हमें मौका मिलता है प्लांट लेने का तो हम गार्डनर कभी भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे हमारे पास कितने भी प्लांट हों, लेकिन अगर प्लांट हम नर्सरी पे देखते हैं तो उसे ज़रूर हम ले लेते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड कि मैंने इस बार कौन कौन से प्लांट अपने गार्डन के लिए लिए हैं। और उसके पहले मैं अपने प्लांट्स को आपको दिखा देती हूँ कि मैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ कैसी चल रही है। और ये देखिए यहाँ पर भी हमारे कलांचो लगे हुए हैं, ये देसी कलांचो हैं, इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये हमारे हाइब्रिड कलांचो हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए ये इस तरह से बंचेस में इसमें फ्लावर आते हैं और इस तरह से ये हमारे सारे प्लांट लगे हुए हैं। और इस प्लांट को तो बंदर ने पूरी बुरी तरह से तोड़ दिया है फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड, हमने ये दो प्लांट यहाँ से अपने तहसील में ही ये दो प्लांट हमने ख़रीदे हैं, ये दो प्लांट और एक ये प्लांट। और ये देखिए ये हमारा रोज़ का प्लांट है और ये जो देख रहे हैं आप फ्रेंड, ये हमारे रातरानी का प्लांट है फ्रेंड। और अच्छी ग्रोथ है, प्लांट छोटा है, पतला है, ग्रोथ हो रही है प्लांट की। तो इस तरह से ये देखिए लाने के बाद एक हफ्ता हो गया है फ्रेंड, इसको हमने इस तरह से रख दिया था और ये हमारे गार्डन में आकर टेरिस पर आकर एक हफ्ता हो गया है, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। ये देखिए और इस तरह से ये छोटे से बैग में लगा हुआ है। तो ये प्लांट का प्राइस भी मैं आपको बता दूँ तो ये हमें 30 रुपीज़ का प्लांट मिला है फ्रेंड। और ये जो हमारा रोज़ का प्लांट है, और ये देखिए इस तरह से ये ग्राफ्टेड एरिया के पास से ही निकला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, तो हो सकता है ये जंगली ना होकर हो सकता है इसमें कलियां बने, थोड़े दिन रखेंगे उसके बाद अगर इसमें निकाल देंगे नहीं तो। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और ये प्यारा प्लांट है। और हमारे तहसील में एक नई दुकान खुली है, नर्सरी खुली है, छोटे ज़्यादा प्लांट नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी बहुत ही है जो हमारे यहाँ जल्दी कभी नहीं मिलते थे, वो प्लांट अब हमारे यहाँ मिलने लग गए हैं। थोड़ा दूर है फ्रेंड, लेकिन फिर भी ये तो है कि चलो कभी मिल जाएंगे। तो जो ख़राब हुए इसकी तरह से इस तरह की पत्तियाँ हैं, इसे निकाल देना चाहिए फ्रेंड। और इसको एक दो दिन में इसके फ्लावर को भी हम कट करके हटा देंगे, तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ये फ्लावर लग रहा है देखिए। और ये इस तरह के बैग में लगा हुआ है प्लांट, और आप देख सकते हैं ये इस कंडीशन में है ये हमारा प्लांट। तो इसका अगर हम प्राइस रेंज आपको बता दें तो ये 100 रुपीज़ कह रहे थे, तो उन्होंने 30 रुपीज़ कम करके 80 रुपये में ये प्लांट हमें मिला है। और ये तो जो प्लांट आप देख रहे हैं बिगुनिया के, तो दोनों ही बहुत ही प्यारे कलर लग रहे हैं फ्रेंड। तो देखिए कितने खूबसूरत और अच्छी फ्लावरिंग हो रही है ये। तो ये प्लांट हमें 30 रुपीज़ और बार्गेनिंग करने पे 25 रुपीज़ में ये हमें दो प्लांट मिले हैं। और हमने लिया है फ्रेंड्स ये हमारा साफ फंगीसाइड, जो बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये भी मिल गया, तो इसे हमने दो पैकेट ये भी परचेस किया है फ्रेंड। तो इस तरह से ये हमारी छोटी सी शॉपिंग है। तो आप बताइएगा फ्रेंड आपको ये हमारी छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी। और जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो थोड़े थोड़े ही प्लांट ऐसे लेते रहते हैं फ्रेंड, जिससे अपने बजट पे भी कोई असर नहीं पड़ता है, धीरे धीरे प्लांट हम लेते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड।